हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। 7 अगस्त 2021, जी हाँ, लिख लीजिए आप इस तारीख को, क्योंकि ये तारीख जो है अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। भारत ने आज ओलंपिक्स के आखिरी दिन गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ नीरज चोपड़ा ने आज इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल जो है बिल्कुल 13 साल बाद भारत के पास आया है। आखिरी दफा अभिनव बिंद्रा ने कीर्तिमान हासिल किया था और आज जेवलिन थ्रो का कॉम्पिटिशन जीत के गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। इस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं गूज़बम्प्स और जो रोंगटे वो बिल्कुल आप फील कर सकते हैं, क्योंकि हर्षोल्लास में जो है पूरा देश इस वक्त है। त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है इस पूरी जीत को। लगातार जो बधाइयों का सिलसिला है वो भी दुनिया भर से आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करी जाए पीएम मोदी की, तो उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट जो है बिल्कुल नीरज चोपड़ा को किया है, बधाई ट्विटर पे दी है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने परफॉर्मेंस करी, जितने पैशनेट वो नज़र आए, और एक नया मिसाल जो है वो उन्होंने बिल्कुल आज क्रिएट कर दी है। इतिहास उन्होंने रच दिया, हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो गई है। ट्वीट जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी नीरज चोपड़ा के साथ बात हुई है और बहुत ही पैशनेट जो हैं नीरज चोपड़ा एक एज एन व्यक्ति हैं, और आगे चल के और भी कीर्तिमान आपको ज़रूर उनसे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर खेल जगत की बात करें तो भारत और इंग्लैंड का मैच जो है वो नॉटिंगम में खेला जा रहा है और टोक्यो में ओलंपिक्स बिल्कुल जो है आज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जीत की जो सेलिब्रेशन है, जो खुशबू है, वो इंग्लैंड तक गई है। यहाँ भारत में तो सेलिब्रेशन हो ही रहा है, लेकिन कमेंट्री पैनल में भी सुनील गावस्कर के साथ साथ आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, सभी के सभी जो कमेंटेटर्स हैं वो खुशी से झूम उठे हैं। नाचते हुए जो हैं वो सुनील गावस्कर नज़र आए। इसके साथ साथ बात करी जाए आशीष नेहरा की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और नाचते हुए जो है वो भी बिल्कुल नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुरेश रैना के साथ साथ इरफान पठान ने भी बधाई जो है बिल्कुल नीरज चोपड़ा को दी है। और कहना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से इतिहास रचा गया है, हज़ारों लाखों जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, इन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन जो है बिल्कुल नीरज चोपड़ा बन गए हैं। हमेशा से क्रिकेट को लेके हम बात करते हैं कि जब इंसान जो है बड़ा हो रहा होता है और वो एक स्पोर्ट में जाना चाहता है तो वो हमेशा से क्रिकेट का नाम लेता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हॉकी के साथ साथ आप जैवलिन थ्रो में भी ऐसे हज़ारों लाखों नीरज चोपड़ा जो हैं वो बिल्कुल आने वाले वक्त में देखेंगे। इसके साथ साथ जीत की बात करी जाए तो डेडिकेट जो है वो नीरज चोपड़ा ने लेट मिल्खा सिंह जी को की है। जी हाँ, मिल्खा सिंह जी का थोड़े दिन पहले ही जो है निधन हो गया था, और मिल्खा सिंह जी की भी ख्वाहिश थी कि एक गोल्ड मेडल जो है वो ज़रूर एथलीट लेके आए, और डेडिकेट बिल्कुल जो है नीरज चोपड़ा ने ये मेडल जो है गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को किया है। उन्होंने साफ बोला है कि मिल्खा सिंह जहाँ भी हैं वो खुश रहें और ये मेडल जो है वो ज़रूर मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। पूरा देश इस वक्त खुशी के आंसू में है और सेलिब्रेशन जो है लगातार एक त्यौहार की तरह बिल्कुल मनाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में ऐसे ही ज़बरदस्त अंदाज में नीरज चोपड़ा जो है बड़े अचीवमेंट्स भारत के लिए हासिल करें। आपका क्या कहना है इस जीत को लेके, इस कीर्तिमान को लेके, ज़रूर हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि फीलिंग जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है और इस जीत को लेके आपका क्या कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।